कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार खांसी जुकाम की दवाओं को बेचने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अगर ये बदलाव हुए तो फिर आपको खांसी जुकाम की दवाओं के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार जल्द एक फैसला करने की तैयारी में है, जिसमें खांसी जुकाम और बुखार जैसे साधारण दवाओं की बिक्री के लिए किसी तरह के मेडिकल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार OTC यानी ओवर द काउंटर दवा नीति लाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है। अब OTC नीति है क्या, चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए, OTC या ओवर द काउंटर ऐसी दवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें बेचने के लिए किसी तरह के डॉक्टर के परामर्श की जरूरत नहीं होती, यानी ये दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी बाजार में आसानी से अवेलेबल है। कई डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में ये नीति काफ़ी समय पहले से ही लागू है। वहीं भारत सरकार इस नीति को लागू करने के लिए अब कमर कस चुकी है। इस नीति के लिए बनाई गई समिति को कई तरह के सुझाव भी मिल चुके हैं। वहीं अब ये नीति क्यों बनाई जा रही है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इस नीति को बनाने के पीछे ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखना चाहती है, जहां मेडिकल की सुविधाएं और ज़रूरतों के हिसाब से नहीं पहुंच पाती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स की संख्या बहुत ही कम है, जिसके चलते लोग साधारण समस्याओं जैसे कि खांसी जुकाम आदि की दवाओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार लोगों के लिए OTC नीति बनाने जा रही है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।